राम की कल्पना में प्रातः देखा दृश्य पुनः साकार उठा। कुलपति की कुटिया में सम्मुख चबूतरे पर धू-धू जलती हुई चिता, ऊंचे से ऊंची जलती हुई लपटों के बीच खड़े ऋषि शरभंग नैन मूंदे हाथ जोड़े इस प्रकार शांत मुद्रा में खड़े थे, मानो जल में खड़े सूर्य का ध्यान कर रहे हों। शरीर अग्नि से ऐसे आकार हो गया था जैसे आग की लपटें उन्हें बाहर से न घेरे हों, उनके शरीर से निकलकर बाहर पड़ी लकड़ियों को जला रही हूँ। राम की मंडली के आने से चिता के चारों ओर से घेर कर खड़े जन समुदाय में थोड़ी हलचल हुई थी। ऋषि का ध्यान जैसे भंग हो गया था, उनकी आंखें निमिष भर के लिए खुली, उन्होंने राम को पहचाना, मानो चलने के लिए पग उठाया, कुछ कहने को ओट फैले किंतु तभी अचेत होकर गिर पड़े। ना आँखें खुली रह सकी, ना ओट से स्वर निकला और ना ही पग ही आगे बढ़ सका। राम का अपना ही मन अपने देह के पर संदेह कर रहा था। सूखे काट के समान धू-धू जलता हुआ मनुष्य का शरीर क्या किसी और को देख पहचान सकता है? किसी को कुछ कहने का संकल्प कर सकता है? राम ने उसे अपना भ्रम माना था, किंतु अब सामने बैठे मुनि ज्ञान क्षेत्र कह रहे हैं कि ऋषि को राम की प्रतीक्षा थी। हतप्रभ से राम चिता से कुछ दूर खड़े रह गए थे। ऋषि का अचेत या कदाचित मृत शरीर सूखे ईंधन के समान जल रहा था। ऋषि को बचाया नहीं जा सकता था। चिता में से जीवित अथवा मृत शरीर को खींच लेने का अब कोई लाभ नहीं था। राम की आंखों में अश्रु आ गए थे। मनुष्य इतना भी असहाय हो उठता है कि अपने जीवित अनुभूति प्रवण शरीर को निर्जीव पदार्थ के समान अग्नि में झोंक दे? मन का ताप इतना तीव्र और असहाय उठता है कि जलता हुआ तन भी उसकी तुलना में शीतल लगने लगे? और कोई राम सा भी अक्षम हो सकता है कि सामने चिता में शरभंग जल रहे हों और राम का हाथ उन तक ना पहुंच पाए? उन्होंने रडबाई आंखों से अपने आसपास देखा था। सीता, लक्ष्मण, मुखर तथा उनके साथ आए ऋषि के शिष्य शस्त्रागार से लदे हुए उनके आसपास आ खड़े हुए थे। सबकी दृष्टि में चिता में जलते हुए ऋषि के शव पर थी। चेहरों पर अवसाद था, निराशा तथा विषण्णता की भाव घिराए थे। आश्रम वासियों की स्थिति उन लोगों से तनिक भी भिन्न नहीं थी। ऋषि ने प्रतीक्षा क्यों नहीं की? ज्ञान श्रेष्ठ राम चुपचाप क्यों देखते रहे, जैसे कुछ सोच रहे हों? फिर धीमे स्वर में बोले, ठीक ठीक बता पाना कठिन है। हाँ, कुछ कुछ अनुमान किया जा सकता है। कोई विशेष घटना घटी थी क्या? ज्ञान श्रेष्ठ को मौन हुए विलंब हो गया तो राम ने पूछा। ज्ञान श्रेष्ठ ने धीरे धीरे अपनी बोझिल आंखें ऊपर उठाई और राम के चेहरे पर टिका दी। यहाँ तो नित्य ही कुछ ना कुछ घटता रहता है, ऐसा कि व्यक्ति आत्मदाह कर बैठे। या तो कुलपति का साहस था कि आज तक टिके रहे। शरीर का दाह तो उन्होंने आज किया, मन जाने कितनी बार दग्ध हुआ होगा। फिर भी कुछ आभास तो आपको होगा। लक्ष्मण अपने स्थान से कुछ आगे बढ़े। मेरा ऐसा अनुमान है कि इसका संबंध खान श्रमिकों की बस्ती से अवश्य है। ज्ञान श्रेष्ठ ने सहसा अपनी आत्मतल्लीनता को त्याग दिया। ऋषि के पास पिछले कुछ दिनों पहले खान श्रमिक आए थे। ऋषि ने उनकी बातें सर्वथा एकांत में सुनी थी, किंतु उसके पश्चात वे कई बार उनकी बस्तियों में गए थे। वे लोग भी बहुधा उनके पास आने लगे थे। लगता था श्रमिक ऋषि पर बहुत विश्वास करने लगे थे। उनसे सारी बातें एकांत में ही होती थी और उनके जाने के पश्चात ऋषि बहुधा बहुत चिंतित हो जाया करते थे। उन्हें नींद नहीं आती थी और वे अपनी कुटिया के सामने के चबूतरे पर बैठकर आधी आधी रात तक आकाश को घूरा करते थे, या फिर उत्तेजना की स्थिति में उसी चबूतरे की परिक्रमा किया करते थे। और भद्रराम, उसी अवधि में उन्होंने आपको भी बहुत याद किया। किस संदर्भ में? राम अनुमान लगाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन दिनों आपकी योजनाओं में उनकी रुचि बहुत बढ़ गई थी। ज्ञानश्रेष्ठ बोले, आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? आप लोगों को संगठित कैसे करते हैं? उन्हें शस्त्रों की शिक्षा कैसे देते हैं? आप साहसी लोगों को कैसे जुटा लेते हैं? आपका शस्त्र बल और शस्त्र कौशल किस कोटि का है? इत्यादि मुझे स्वयं बड़ा आश्चर्य है कि वे अपनी तपस्या अथवा आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा न कर शस्त्रों और युद्ध की बातों में क्यों रुचि लेने लगे थे। राम चुपचाप ज्ञानश्रेष्ठ की ओर देखते रहे। 3 दिन पहले सहसा यहाँ स्वयं देवराज इंद्र पधारे। राम, लक्ष्मण, सीता और मुखर की दृष्टियाँ परस्पर टकराईं। ज्ञानश्रेष्ठ ने अपनी बात आगे बढ़ाई।
ऋषि इतने प्रसन्न हुए जैसे उन्हें मोक्ष ही मिल गया हो। आश्रम में किसी अतिथि के आगमन पर ऐसा उत्साहवर्धन, उत्साह प्रदर्शन असाधारण था। इस आश्रम में वैसा स्वागत तथा सम्मान आज तक किसी अतिथि का नहीं हुआ। देवराज ने भी ऋषि से एकांत में बात करने की इच्छा प्रकट की। रात के भोजन के पश्चात ऋषि बड़ी प्रसन्न मुद्रा में देवराज के साथ अपने कुटीर में गए। हमें कुटीर के निकट जाने की अनुमति नहीं थी, इल्ले से हमें कोई भी नहीं जा सका और ना ही जानता था उनमें परस्पर क्या वार्तालाप हुआ। किंतु इतना स्पष्ट है कि वार्तालाप सुखद नहीं था। प्रातः बहुत तड़के ही देवराज बहुत जल्दी में प्रस्थान कर गए और ऋषि असाधारण मौन साधे रहे। उन्हें गंभीर कहूँ, चिंतित कहूँ, उदास कहूँ, विक्षिप्त कहूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। वे तो ऐसे हो रहे थे जैसे जीवन का आधार ही टूट गया हो। वे चिंतन करते रहे अपने कुटीर में अथवा उसके सामने इधर से उधर टहलते रहे। कभी हम में से किसी से बात कर लेते, कभी स्वयं ही वाचिक चिंतन करने लगते हैं।